सचिन भैया से मिलाता हूँ मैं आपको, आप लोग बोल रहे थे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। एंड गाइस, आज जो हम आ रखे हैं बहुत ही मतलब की फेमस जगह है, हमारे जयपुर की पिंक सिटी की सबसे फेमस जगह है हवा महल। यार गाइस, हमारे सचिन भैया, तो सचिन भैया से भी आपको मिलवाते हैं। बाकी जो है, मैं आपको कुछ क्लिप है जो मैं इसका दिखाता हूँ आपको। मेरी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही होगी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है अभी, बिकॉज इसलिए। तो देखते हैं इसको और आगे बने रहते हैं। जैसा कि गाइस आप लोग जानते हैं, इसका नाम है हवा महल। तो यार, मुझे ना एक चीज डाउट था जब मैं यहाँ पर पहली बार मतलब नहीं आया था। ये तो वैसे मेरे बहुत बार आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन पहली बार का डाउट था यार, हवा महल का मतलब कि हवा में उड़ता है क्या? तो बहुत ही ज्यादा मैं एक्साइटमेंट था यार, मतलब कि मेरे को देखना था। बट जब यहाँ पर आया ना, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि ये हवा में हो, ये ऐसा हो। जैसे जल महल का तो जल में रहता है, तो और भी कई सारी चीज। बाकी अब अंदर चलते हैं और अंदर का दिखाते हैं आपको। तो यार आज चलेंगे फर्स्ट टाइम इसके अंदर। चलो अंदर एंट्री करते हैं। अंदर एंट्री करने से पहले भी छोटे मोटे दुकान है जो आप लोग देख सकते हो। गाइज, अंदर जाने का रास्ता हवा महल के अंदर। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर रास्ता नहीं साफ है, कुछ फोटोग्राफ्स भी है जो कि रास्ता नहीं पोशाक में है। एंड यहाँ पर ज्योति वगैरह। तो गाइज, अभी बहुत ही बड़ा वाला पोपट होते होते बचा है हमारा, क्योंकि जब मैं मेरे दोस्त का स्टूडेंट कार्ड लेके आ रखा हूँ एंड चल गया, तो ये सबसे बेस्ट है हमारे लिए। एंड अभी चलते हैं अंदर और अंदर का दिखाते हैं क्या सेफ्टी, क्या सारी चीजें यार अंदर दिखाते हैं आपको। तो ये है अंदर जाने का, एंड बाहरी चेकिंग मशीन है यहाँ पे, चेकिंग होती है। एंड यहाँ पर चेकिंग होती है। चलो ये है, हम बम लेके जा रहे हैं इसलिए ऐसा बसता है। अरे सचिन, हम बम लेके जा रहे हैं इसलिए बसता है। तो गाइस अंदर आ चुके हैं, कितना मस्त दिख रहा है, बहुत ही मस्त दिख रहा है। तो ये है हवा महल के अंदर का सीन यार गाइस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फव्वारा। गाइज, अभी हम आ चुके हैं भोजन भवन के अंदर। एंड यहाँ पर हम चरेंगे, बोले तो जिमेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ भोजन भवन है और यहाँ हम जिम चुके हैं क्योंकि हम बाहर से जिम के आ गए थे। अब बाहर चलते हैं, बाहर बहुत ज्यादा धूप हो रही है यार। वो तो क्वालिटी देख के पता चल जाता होगा यार, धूप आ रही नहीं आ रही है। तो देखो यार, आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी एक मेहनत कर सकते हो। अपने अंगूठे को ऐसे ले जाओ और जाके लाइक का बटन पर जाके लाइक कर दो यार, इतना काम कर सकते हो अपने भाई के लिए। आप लोगों को जो हमने बाहर से जो दिखाया था ना, वो चीज़ अगर आपको हम अंदर से दिखाए तो कैसा लगेगा आपको, तो वो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप सामने देख सकते हो। एंड गाइज, ये जो है छोटी सी खिड़की है और ये खिड़की है, समझ सकते हो नहीं समझ सकते हो? कोई बात नहीं, मैं अभी कैमरे को बाहर करता हूँ। आप लोग देख लिए होंगे कि आखिर बाहर क्या है। तो अब हम चलते हैं इधर। तो ये गाइज, ये है शरद मंदिर। बढ़िया है शरद मंदिर, वैसे मैंने समझा नहीं क्या चीज़ होता है ये अंदर की। गाइज, जो लाइटिंग वगैरह है ना, जिसके कारण जो यहाँ पर जो फोकस हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। एंड यहाँ तो कुछ नहीं है गाइज। यार आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, जो लाइटिंग है ना यार, जो फेस पे जो लाइटिंग पड़ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। देखो, मेरा मन कर रहा है बस इसको ले जाऊं और मेरे घर के अंदर जाके स्टूडियो बना दूं। वैसे स्टूडियो के लिए ये भी सही है।
एंड सिल्वर प्ले बटन जब आएगा ना गाइस, यहाँ डालूंगा मैं। वैसे तो अभी नहीं आएगा, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ आएगा। एंड आगे चलते हैं यार, इसमें एक चीज हो रही है, देखो हर जगह लाइटिंग चेंज हो रही है, तो लाइटिंग चेंज होते होते यार मेरे ना क्या कहते फेस पे आपको दिख रहा होगा डलनेस कैसे आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और भी कई सारी चीजें। तो यार आज बहुत दिनों बाद इस टाइप की मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कहने का मतलब ये है। एंड इधर चलते हैं, देखते क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है गाइस, यार छोटा सा खोपचा है। गाइस यहाँ पर यार एक चीज और है, जैसे कि 17वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, हर तरीके की यहाँ पर मूर्ति कला है जो आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस हम आ रखे हैं सबसे टॉप, एंड टॉप से यार हमको जो जो भी चीज जो भी दिख रहा है ना हमको सामने, वो इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। एंड गाइस इस चीज को यार आप लोगों को फील तो कैसे करवा सकता हूँ, जो कैमरा है कैमरे के अकॉर्डिंग तो इतना ही हो सकता है, बट रियल लाइफ में बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि सामने दिख रहा है जयगढ़ का किला, एंड यहाँ से पूरा मार्केट दिख रहा है, और क्या बताऊँ, और सबसे टॉप पे हैं हम। तो हवा महल को पहले हम जो किताबों में देखते थे, आज हम उसी चीज़ पे खड़े हैं, सबसे टॉप पर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, अगर जो लोग जयपुर से हैं तो पिंक सिटी जैसे शहर को अगर जिन जिन लोगों ने नहीं घूमा तो आकर घूमो यार, अपनी धरोहर है यार ये सारी चीज़ें। अपन लोग बाहर जाते हैं लेकिन अभी अपने पास ही ऐसी ऐसी चीज़ें जो बाहर से आते हैं लोग देखने के लिए, उस चीज़ को अपन मतलब कि क्या कहें, मतलब यहाँ पर होकर के भी नहीं देखते। जैसे कि मैं आज यहाँ 20 साल से हूँ बट यार कभी भी नहीं आया मैं यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें होती है। कई लोग हैं ऐसे जिनकी दिक्कत होती है, कई और चीज़ें होती है, बाकी ये है कि घूमते रहना चाहिए, कई नॉलेज वाली चीज़ें भी मिलती है, कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड मेरे सामने अभी जंतर मंतर है, तो जंतर मंतर का भी ब्लॉग आ जाएगा कुछ दिनों में, एंड हो भी सकता आ भी सकता नहीं भी आ सकता, तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी, टाटा बाय बाय।